हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज हम आपको ऐसे पौधे दिखाने जा रहे हैं जो घर में सुख शांति देने वाले पौधे होते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पौधा आता है हमारे घर में सुख शांति का पौधा। यह जो आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, यह एक सुख शांति का पौधा होता है। आप इसे अपने घर में लाएं, इसे लगाने से हमारे घर में सुख शांति रहेगी। सुख शांति रहेगी तो धन माँ लक्ष्मी की कृपा होना स्टार्ट कर देगी। अब जो दूसरे नंबर का पौधा आता है हमारा, गणेश जी का पौधा होता है, सफ़ेद आके का पौधा, जिस पर सफ़ेद फूल खिलता है। आपने देखा होगा जंगलों में नीले फूल वाला होता है, पर इस पर सफ़ेद फूल आता है। इसकी जो सूंड होती है गणेश जी की आकार का होती है, और जो इसमें फूल होता है वो भी गणेश जी आकार का होता है। अब हमारे तीसरे नंबर का पौधा आता है शमी का पौधा। ये हमारा घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे लगाने से हम पर शनि की कृपा दूर होती है और भोले बाबा हम पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भोले बाबा पर इसकी पत्ती चढ़ाई जाती है। कहती है यह पौधा हमारे घर से निकलते हुए दाहिनी तरफ होना चाहिए। जिस घर में यह पौधा है उस घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। अब मेरा चौथा नंबर का पौधा आता है तुलसी माता का पौधा। जैसा कि आप जानते हैं हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अनिवार्य होता है। यह पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। अब तो कार्तिक का महीना है, हर एक घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। अब जो मेरा नेक्स्ट पौधा है अपराजिता का पौधा। यह पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। यह नीला फूल होने कारण शंख पुष्पी भी इसे कहते हैं, जो कि एक औषधि में काम आता है। अब हम इसके ग्रो की बात करेंगे तो फ्रेंड यह बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अब मेरी मोरपंखी की बात करेंगे तो यह मोरपंखी विद्या, यह भी सुख शांति का पौधा होता है। इसे भी आप अपने घर में लगाएं। इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहले आपको यह पौधा दो लेने हैं, क्योंकि एक जोड़ा हम नहीं लगाते तो हमें वो अच्छा नहीं रहता, तो हमें यह मोरपंखी का जोड़ा लगाना चाहिए, क्योंकि जोड़े से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। जैसे हम अशोक का पौधा एक नहीं लगाते, ऐसे इस मोरपंखी को दो नहीं लगाते। अब मेरा जो नेक्स्ट पौधा आता है पीस लिली का पौधा। आपने देखा होगा पीस लिली हमारे घर के अंदर बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। बस आपको ध्यान रहे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दें। और इसकी फूल की बात करेंगे तो गाइस इस पर इतना सुंदर फूल आता है, बहुत ही सुंदर। अब जब मेरा नेक्स्ट पौधा आता है गुड़हल का पौधा, जो कि माँ दुर्गा को अति प्रसन्न पौधा होता है। लाल फूल वाला गुड़हल है, जैसे कि आप देख रहे हैं पंच फूल वाला गुड़हल, बीच में जो डाली निकलती है, यह पौधा बहुत ही अच्छा होता है। इस गुड़हल को आप आसानी से अपने गमले में लगाएं। अगर आपके पास थोड़ा गमला छोटा है तो इसे बड़े में लगा लें, क्योंकि यह गुड़हल बड़े में फूल देती है। अब हमारी दूसरा पौधा आता है नेक्स्ट तुलसी माता का पौधा। मैंने आपको एक पिछली बार दिखाया था रामा तुलसी का। अब जो आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं यह हमारा श्यामा तुलसी का पौधा है। यह पौधा बहुत ही अच्छा होता है। अब जो मेरा नेक्स्ट पौधा है कॉलेज का पौधा, जो कि बहुत अच्छा प्लांट होता है। पत्तियों की बात करेंगे तो यह पत्ती बहुत ही सुंदर लगती है। यह पौधा भी हमारे घर में शुभ माना जाता है। तो गाइस जो भी मैं आपको पौधे दिखा रहा हूँ आपको एक एक करके अपने घर में लगाएं, और जब इन पौधों को आप लगा लेंगे तब देखना आपके घर में सुख शांति और धन की कमी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड मैं आपको इसी प्रकार नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यह मेरा छोटा सा कारोबार है, मैं आपको लाइव स्ट्रीम दिखा रहा हूँ, एक मैं माली से ब्लॉग करता हूँ। आप जानते होंगे मेरी वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते और मेरी वीडियो पर कमेंट नहीं करते। अगर फ्रेंड मुझे यूट्यूब से पैसा मिला तो मैं गरीबों में थोड़ा बाँटूँगा, जितना मुझ पर हो सकेगा। मैं सारा पैसा नहीं रखूँगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं आपके घर में सुख शांति देने वाले पौधे, पौधा कौन सा कहाँ रखते हैं, कौन सा आपके घर में होना चाहिए, मैं सब आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगली वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को शेयर करें।